तो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम जियो वर्सेस वीआई वोडाफोन आइडिया इन दोनों का कंपेयर करने वाले हैं। तो गाइस, मैं एग्जैक्ट आपको स्पीड नहीं बता सकता, बट एक कंपेयर में आप लोगों को आइडिया दे सकता हूँ कि मेरे एरिया में ऐसी स्पीड आ रही है, आपके भी एरिया में फ़र्क देख सकता है आप लोगों को। जब से वीआई हुआ है बहुत ही फास्ट नेटवर्क चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जियो वर्सेस वी का कंपेयर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने बहुत बार टेस्ट किया, हमेशा जियो जीतता है, बट जब से वीआई टेस्ट हुआ है तब से मैंने कोई भी कंपेयर नहीं किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं कंपेयर करूँगा वी वर्सेज जियो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देर के, लेट्स बिगिन। तो गाइस, ये है वी और ये है जियो, ये वी है और ये जियो है। तो टेस्टिंग करने के लिए हम यूज़ करने वाले ओकला स्पीड टेस्ट, जो कि हम हर बार यूज़ करते हैं क्योंकि इसे कोई ट्रस्टेड माना जाता है, तो मैंने भी इसे ही चूज़ किया है। ये है वी और ये है जियो। तो दोनों को मैंने कुछ टाइम पहले ही फ्लाइट मोड में ऑन करके ऑफ़ किया था, जिसकी मदद से ये रिफ्रेश हो जा चुके हैं पूरे। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि दोनों डिवाइस में कनेक्ट हो चुका है। ये है वी आई नागपुर के साथ कनेक्ट है और ये है जियो। तो अभी यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा गो के ऊपर, और यहाँ पर अभी ये फ़िलहाल तो 3G पे आ गया, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। तो यहाँ पर अभी हम चालू करेंगे स्पीड को। रेडी स्टेडी गो, दोनों में ही कनेक्टिंग हो चुका है और अभी भी आप देख सकते हैं कि सेम सर्वर के साथ ही कनेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी कहाँ पर है और जियो कहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4G में है और ये भी 4G में ही है, ऐसा नहीं कि 2G में। भाई आप अपलोडिंग डाउनलोडिंग स्पीड देखिए, दोनों का डाउनलोडिंग स्पीड देखिए और आप फिर कंपेयर कीजिए। और अभी यहाँ पर आप अपलोडिंग स्पीड देख सकते हैं, इसका अपलोडिंग स्पीड कहाँ पर जा रहा है और इसका अपलोडिंग स्पीड देखिए, सेम देखिए अपलोडिंग। ये फ़र्क आपको वी में देखने को मिल रहा है। जब से मैंने जियो, जब से मर्ज हुई ना वी, तो वी की कुछ बात ही नहीं की जा सकती, इतना फास्ट हो चुका है हद से बाहर। तो फिर से मैं आप लोगों को ऑन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी स्पीड मिल रही है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जियो में इतना स्लो नेट चल रहा है कि कनेक्ट तक नहीं हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग के साथ साथ अपलोडिंग भी स्पीड आप लोगों को इसके साथ अच्छी देखने को मिल रही है। तो इजीली मेरा यूट्यूब का काम यही हो जाता है, तो इसलिए मैं वी की सिम यूज़ करता हूँ। प्रेपर भी आप लोगों को यही करूँगा, अगर आप लोगों को इंटरनेट वगैरह अच्छा खासा चाहिए तो आप वी की सिम बाय कर सकते हो। आप देख सकते हो कि जियो भी अभी तक इसकी तो ऐसी की तैसी हो गई है जियो की, और चल भी नहीं रहा है नेट। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, इसलिए मैं फिर से इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश कर लेता हूँ। क्योंकि भाई कोई कोई लोग बोलेंगे कि भाई कभी कभार हो जाता है, कोई ऊपर रहे या कोई डाउन। तो अभी फिर से मैं टेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि एक नेटवर्क में क्या हालत चल रहा है और एक नेटवर्क में क्या हालत चल रहा है। ये कनेक्टिंग ही नहीं कनेक्ट नहीं हुआ है। और गाइज, अभी मैंने इसको भी कनेक्ट कर लिया है, और इसका डाउनलोडिंग स्पीड देखिए यहाँ पर, और इसका ये डाउनलोडिंग स्पीड देखिए। और आप ही देखिए कि इसमें डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वी और ये है जियो। ये 0.39 डाउनलोड स्पीड आया है, और इसका डाउनलोड स्पीड अभी आप देख सकते हो कि 5.80, और अपलोडिंग स्पीड आया है 0.12, और इसका अपलोडिंग स्पीड देख सकते हो अभी भी 7 के ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि अपलोडिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा है वी का, मैं प्रेफर कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा अपलोडिंग स्पीड यहाँ पर आप लोगों को वी में भी देखने को मिल जाती है। तो आई होप कि ये कंपेयर आप लोगों को पसंद आया, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके देना एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।